कुछ ही मिनट पहले स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया है कि उसका जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो 13.25% पे बरकरार रहेगा। 2018 में ये रेट 6% होता था। आप खुद से देख लीजिए कि कितने शॉर्ट पीरियड के अंदर हम इसको ले गए हैं 6% से 13.25%। यकीन कीजिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इतनी तेजी से उसका सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा देगा तो उस मुल्क में बिजनेस हो जाएगा ठप। बिजनेस क्या हो जाएगा? ठप। स्टेट बैंक ये कहता है कि दिसंबर में जो इन्फ्लेशन रेट था, जो अफरादी दर का रेट था, वो 12.6% था, और स्टेट बैंक का ख्याल है कि जनवरी में महंगाई क्योंकि मजीद बढ़ जाएगी इसलिए उसको ये रेट बरकरार रखना पड़ेगा। स्टेट बैंक ये कह रहा है कि वो एक जंग लड़ रहा है अफरादी दर के खिलाफ और इसलिए उसको ये रेट हाई रखना पड़ रहा है। एक नतीजा तो सामने ले लीजिए कि वो इस जंग में हार रहा है, रेट भी हाई है और मजीद महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। हम आम आदमी के लिए बड़ा जरूरी है कि वो समझे कि ये रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इस रेट पे बिजनेसेस जो हैं वो बोरो करते हैं और फिर एक्सपेंड करते हैं। अब हुआ क्या है कि 13.25% पे अगर स्टेट बैंक रेट रखेगा तो बिजनेसेस को 16-18% पे बोरो करना पड़ेगा बैंकों से, और कोई भी बिजनेस इस रेट पे मुनाफा बख्श नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, जो कंपनी 1 करोड़ रुपया पे करती थी सूद की मद में, अब उसको 2 करोड़ रुपया पे करना पड़ रहा है। कंपनियां बंद हो रही हैं और अगर कंपनी बंद होगी तो बेरोजगारी होगी। कार की सेल्स आपने देखा 44% डाउन है, स्टील की सेल्स डाउन है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वाहिद गोल बन गया है हॉट मनी, और उसमें उसको कामयाबी हुई है। तकरीबन 2.6 अरब डॉलर अट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन इसका एक असर और हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बंद हो रही है। अगर हॉट मनी को स्टेट बैंक ने मजीद अट्रैक्ट करना है तो स्टेट बैंक की मजबूरी है कि वो इस रेट को हाई रखे। अगर इंटरेस्ट रेट को गिराया जाएगा तो हॉट मनी भाग जाएगी। स्टेट बैंक अपने आप को एक पिंजरे में, स्टेट बैंक ने अपने आप को बंद कर लिया है, और वो पिंजरा है हॉट मनी का। आप खुद से देख लीजिए, पाकिस्तान में बेंचमार्क सेंट्रल बैंक का रेट 13.25%, बांग्लादेश में सिर्फ 6% और इंडिया में 5.15%।